देवास जिले के सतवास तहसील के कांटा फोड़ में पत्रकारों ने गैर अधिमान्य पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा देने की मांग को लेकर कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए काला मास्क लगाकर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। जानकारी देते हुए पत्रकार ओम प्रकाश जायसवाल हरिओम तिवारी ने बताया कि अधिमान्य पत्रकारों की तरह गैर अधिमान्य पत्रकार भी अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की आवाज शासन प्रशासन तक पहुँचाने का काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी खबरों के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। विरोध दर्ज कराने के दौरान हरि जोशी, बालकृष्ण शर्मा, शलभ गोरानी, मनीष शर्मा, जितेंद्र सिंघी विशेष रूप से मौजूद रहे। पत्रकारों ने कहा कि पिछले 15 महीनों से प्रदेश के सभी पत्रकार, कैमरामैन, फोटो जर्नलिस्ट लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। इस दौरान हमने अपने कई साथियों को खोया भी है, इसलिए प्रदेश के मुखिया से पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा देकर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में सम्मिलित करने के लिए विरोध दर्ज करा रहे हैं। सतवास से जीतू सिंघी की रिपोर्ट। प्रदेश संपूर्ण प्रदेश के पत्रकारों ने एक आंशिक धरना प्रदेश पत्रकार संघ के आह्वान पर दिया है, जिसमें सोशल डिस्टेंस का पालन करके कोरोना गाइडलाइन अनुसार हम अपने विरोध दर्ज करा रहे हैं। हमारी मांग है कि प्रदेश के मुखिया हमें फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा दे। हम भी काम करते हैं, हमारे भी जोखिम बराबर है। सभी पत्रकार एक समान काम करते हैं, गैर अधिमान्य हो या अधिमान्य, सभी को एक समान फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा देने की मांग करते हैं। तो उनके तारतम्य में हम आज ये आंशिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।